नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 में धमाकेदार अंदाज में क्वालिफायर वन में दिल्ली को हराकर चेन्नई ने रिकॉर्ड 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने चेन्नई पर रोमांचक मुकाबले में 4 विकेटों से जीत दर्ज की। आपको बता दें, चेन्नई से ज्यादा बार कोई भी टीम फाइनल नहीं खेली है। चेन्नई की टीम ने 2010, 2011 और 2018 में खिताब जीता है। इसके अलावा 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में फाइनल खेल चुकी है। आपको बता दें, धोनी तो 10 बार आईपीएल का फाइनल खेल चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2020 में सबसे फिसड्डी टीमों में से एक रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 में अचानक से फिर से चैंपियन बनकर कैसे उभर गई। 6 महीने से कम समय के अंदर ही धोनी ने ऐसा क्या किया कि चेन्नई इस सीजन सबसे पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीम थी और इसके बाद उन्होंने पहले क्वालिफायर में ही दिल्ली को हराकर फाइनल की टिकट कटा लिया है। सबसे पहले था कोर टीम को बनाए रखना। पिछले साल की तुलना में टीम ने अपने स्क्वाड में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया था। इस साल हुए ऑक्शन में टीम ने मोइन अली और कृष्णप्पा गौतम को अपने साथ जोड़ा था। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा को भी ट्रेड किया था और ये खिलाड़ी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। पहले फेज में मोइन अली ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को कई मैचेस में जीत दिलाई थी। वहीं दूसरे फेज में रविंद्र जडेजा, रॉबिन उथप्पा, फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। इसके अलावा गेंदबाजी में जॉस हेजलवुड और दीपक चाहर ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। टीम ने पिछले कुछ सालों में अपने कोर टीम को वैसा ही बनाए रखा और 2021 में टीम ने प्रदर्शन भी कर दिया। अपने खिलाड़ियों को बैक करना। धोनी उन कप्तानों में गिने जाते हैं जो बुरे समय में भी अपने खिलाड़ियों को खूब सपोर्ट करते हैं और इस सीजन भी वही देखने को मिला। आईपीएल 2020 में बेहद खराब शुरुआत करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो लगातार भरोसा जताए रखते गए और आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ ने सीजन के आखिरी कुछ मैचों में जबरदस्त खेल दिखाया। इसके बाद तो आईपीएल 2021 में तो ऋतुराज गायकवाड़ का डंका बज उठा। उन्होंने इस सीजन 600 से ज्यादा रन कूट डाले। टॉप 3 बल्लेबाजों का प्रदर्शन। आईपीएल 2020 में चेन्नई की हार के पीछे बड़ी वजह उनके टॉप 3 बल्लेबाजों का ना चल पाना था। शेन वॉटसन ने 11 मैचों में 299 रन बनाए थे। इसके बाद धोनी ने कुछ मैचों में सैम करन को भी ओपनिंग करने के लिए भेजा था। हालांकि आईपीएल 2020 में धोनी के बहुत सारे दाव सही नहीं बैठे थे, लेकिन आईपीएल 2021 में फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने रनों का पहाड़ लगा दिया। इसके अलावा मध्यक्रम में भी अंबाती रायडू ने भी खूब शानदार बल्लेबाजी की। अंतिम वजह रहे खुद महेंद्र सिंह धोनी। 40 साल की उम्र के हो चुके धोनी हालांकि अपने बल्ले से उस तरीके का योगदान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन विकेटों के पीछे और कप्तान के तौर पर आज भी उनका कोई सानी नहीं है। और आखिरकार क्वालिफायर वन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्ले से भी योगदान देकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।